हेलो लवलीज, वेलकम टू Zarahatkeblog.com। तो आज मैं एक नया टाइप का प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज़ ग्रीन फेयर इको फ्रेंडली टेबलवेयर प्रोडक्ट्स। तो ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है और आप इसमें खा सकते हैं, और उसके बाद में जब आप इसे फेंकते हैं तो ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। इट्स मेड फ्रॉम एरिका पाम ट्री लीव्स। तो एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम नेचुरल है और एकदम फ्रेंडली है। और इसकी खासियत ये है दैट इट इज़ माइक्रोवेव सेफ एंड फ्रीज़र सेफ। तो लेट्स आई एम ट्राइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू गाइस। मैं इसमें सब्ज़ी रखने वाली हूँ एंड ओवरनाइट, तो रात के 10:30 बज रहे हैं, एंड आई विल सी कि ये सुबह तक कैसे रहती है, और उसके बाद हम उसे माइक्रोवेव भी करेंगे लाइव। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये मैंने मेरे पास ये बाउल है जिसमें मैंने सब्ज़ी डाली है जो मैं फ्रीज़र में रखने वाली हूँ आप लोगों के सामने। और मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो इनके स्पून भी आते हैं, जैसे आपने देखा कटोरी भी आती है, एंड दे हैव डी यू नो बॉक्सेस आल्सो जिसमें आप कवर्ड लिड के साथ जो आप फ्रिज में रख सकते हैं। एंड आई हैव दिस क्यूट हार्ट शेप्ड प्लेट। दिस इज़ अ थाली प्लेट विच दे हैव, एंड दिस इज़ अ सर्विंग प्लेट विच दे हैव। सो दे हैव बिग बाउल्स, स्मॉल बाउल्स, डिनर जैसे भी आप, जैसे इंडियन लंच करना है या मे बी स्नैक्स करने हैं। सो दे हैव अ गुड वेराइटी विच आई बी शेयरिंग विद यू गाइस। तो फिलहाल अभी हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स पुट दिस सब्ज़ी इन द फ्रिज। तो मैंने ये सब्ज़ी फ्रिज में डाल दी है, अब इसे हम कल सुबह देखेंगे। तो मैंने ये सब्ज़ी को फ्रिज में एक दिन रखा है, एंड यू कैन सी सब्ज़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड टू ईट। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द कंटेनर ऑल्सो, एंड नाउ विल पुट दिस इनटू द माइक्रोवेव एंड सी। सो आई हैव केप्ट इट इन द माइक्रोवेव फॉर 30 seconds। तो माइक्रोवेव करने के बाद सब्ज़ी गर्म हो गई है, थोड़ा ये डिसफिगर हो गया है, बट ये क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट से बना है हीट के कारण थोड़ा, बट इट्स स्टिल स्टर्डी, इट्स नॉट दैट बैड। सो और वैसे भी डिस्पोजेबल है, तो आप हीट करने के बाद यूज़ करके थोड़ा थ्रो कर सकते हैं। देखिए सिर्फ थोड़ा शेप चेंज हुआ है, एंड इट्स बिकम लिटिल लूज, नथिंग एल्स, थोड़ा सा।